तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं, मैंने कल एक दिल्ली होमगार्ड की जो वैकेंसी निकल के आई है उसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो दोस्तों वीडियो पर आपका अच्छा खासा रिस्पांस मिला, और उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे भाइयों का ये भी डाउट आ रहा था कि भैया जो ये वैकेंसी है जो 10,285 पदों पर निकाली गई है दिल्ली होमगार्ड के लिए, इसमें क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म इसके बारे में, और इसके लिए हमें अगर से हम अदर स्टेट वाले अगर से अप्लाई कर सकते हैं तो उनको जो है क्या क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपके सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। बस दोस्तों आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि जो दिल्ली होमगार्ड है उसकी 10,285 पदों पर वैकेंसी निकल के आई है, इसका शॉर्ट नोटिस जारी हो गया है जो कि 24 जनवरी से मतलब इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और दोस्तों ये ऑनलाइन फॉर्म इसके अप्लाई जो है फरवरी तक चलेंगे। तो दोस्तों आपको इसका फॉर्म सभी को जल्दी से जल्दी भर लेना है। लेकिन अब पहली बात ये आ जाती है कि भैया कि अदर स्टेट वाले इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो मैं बता दूं कि अदर स्टेट वाले भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके कुछ दोस्तों मेजर पॉइंट है जो आपके पास होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों अगर से आप अदर स्टेट से हैं और आप दिल्ली होमगार्ड में फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपके पास दो रीज़न होना चाहिए। पहला रीज़न, तो अगर से दोस्तों अदर स्टेट के हैं लेकिन अगर से आप दिल्ली में 6 महीने से लेकर 12 महीने तक, मतलब अगर से आप दोस्तों 6 महीना या फिर 12 महीना, मतलब मिनिमम से मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर से दोस्तों 1 साल तक आप अगर से रहे हैं, तो आप दोस्तों इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको फिर क्या करना होगा, इसके लिए आप जिस भी एरिया में रहे हैं वहाँ पर दोस्तों, वहाँ का दोस्तों जैसे मान के चलिए आप रूम से रहे हैं तो दोस्तों आपका आपके पास अगर से 12 महीने का रूम का रेंट का अगर से स्लिप मिल जाए, तो दोस्तों आप जो है इसमें दोस्तों इजीली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर से जब DV में जाएंगे तो अगर से आप उन्हें बता देंगे कि मैं दिल्ली का 6 महीना और 1 साल से निवासी हूँ, तो आपको वो DV में पास कर देंगे। और रही बात, इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको दोस्तों अपने आधार में दोस्तों एक अपडेट भी करवाना पड़ेगा। वहाँ पर जिस भी आप एरिया में जिस भी कॉलोनी में रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस अपने आधार कार्ड में मेंशन करना होगा, तभी आप जो है दिल्ली होमगार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों कि इसके अलावा मैं सभी लोग जानते हैं कि और दोस्तों SSC GT की एग्ज़ाम को आपके थोड़े बहुत दिन बचते हैं, और आप सोच रहे हैं कि SSC GT की तैयारी आप और बेहतर कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको एक जानकारी दे दूँ। बता दूँ SSC GT के लिए एक प्रैक्टिस सेट की बेस्ट बुक निकल के आई है जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है, जिसमें दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट है वो भी 11 सॉलिड पेपर के साथ, और जिसमें 3300+ बहुविकल्पी प्रश्न है जो दोस्तों 100% जो है परीक्षा के पैटर्न पर आधारित बुक है दोस्तों। तो आप ये बुक ले सकते हैं, तो इस प्रकार से ये बुक है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको और एक बात बता दूं, जो चक्षु पब्लिकेशन है अपनी प्रैक्टिस सेट की बुक के अलावा दोस्तों अपनी स्टडी गाइड भी प्रोवाइड करता है, जिसमें दोस्तों हिंदी, रीजनिंग, GK GS, मैथ्स इसका दोस्तों संपूर्ण समावेश है। तो दोस्तों आप जो है चक्षु पब्लिकेशन की ये दोनों प्रैक्टिस सेट वाली बुक और दोस्तों स्टडी गाइड बुक, ये दोनों लेकर के अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इसे वहां से ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या ऑफलाइन अपने नजदीकी मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों यही था वीडियो। वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर से आप दिल्ली होमगार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप अदर स्टेट से हैं, तो आपको दोस्तों अगर से आप दिल्ली में 6 महीना से 12 महीना तक आप निवासी रहे हैं, तो दोस्तों आप जो है वहां के रेंट के जो स्लिप है उसके माध्यम से दोस्तों अपनी भर्ती देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप जो है अपने आधार में जिस भी आप एरिया कॉलोनी में रह रहे हैं पिछले 1 साल या 6 महीना से, वहां पर अपडेट कराकर इसकी भर्ती देख सकते हैं। आपके दोस्तों 85% चांस है दिल्ली होमगार्ड के दोस्तों DV में पास होने के, है ना। और कुछ ही कारणों से शायद आपको अगर से निकाल दिया जाए तो निकाल दिया जाए, लेकिन 85% आपके चांसेस है आप दिल्ली होमगार्ड में दोस्तों अप्लाई कर लेंगे। और रही बात दिल्ली और दिल्ली NCR वाले, तो इसके लिए एलिजिबल है ही है, लेकिन अगर से आपने ये काम कर लिया, आप 6 महीना या 12 महीने से दिल्ली में रह रहे हैं और रेंट की स्लिप है और आधार में उस कॉलोनी का अपडेट करवा लेते हैं, तो दोस्तों आप जो है इजीली अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों यही था वीडियो। वीडियो के माध्यम से मुझे ये तो समझ में आ गया कि आपके डाउट तो क्लियर हो ही गए होंगे, और फिर भी कोई डाउट बचे होंगे तो कमेंट में बता देना, उसका जवाब मैं आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।